केवल दो चीजों से हम दानेदार बना पेड़ा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम पेड़ा बना रहे हैं, जो कि मैं नहीं बना रही, मेरी सासुआ बना रही है। और उन्होंने दूध लिया है, ये 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध है अमूल का, जिसमें 1.5 लीटर दूध लिया है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो पोते की फरमाइश पे दादी पेड़ा बना रही है, जो कि सभी पोते का, दादी का फेवरेट पेड़ा। तो आज ये रेसिपी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी जी यहाँ पे बिल्कुल हाई फ्लेम पे पका रही है दूध को, बिल्कुल यहीं पे खड़ी है। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप लोग खड़ा रहना पॉसिबल नहीं है, पर आप इसे सिम करके भी छोड़ सकते हो जब तक कि हाफ ना हो जाए। तो ये मम्मी इसको पूरे हाई फ्लेम पे पकाई जा रही है, 2 से 3 मिनट हो गया है। आप देख सकते हो दूध बहुत अच्छी बॉइलिंग आ रही है और मम्मी उसको लगातार चलाई जा रही है। और इसका जो बर्तन है वो मम्मी ने लिया है, थोड़ा सा डीप और बिल्कुल ईजी हो आपको चलाने में, आप वैसा बर्तन देख के लें। और इनको इसमें ईजी था तो फिर उन्होंने इसी बर्तन को यूज़ किया। 40 मिनट्स हो चुका है और हमारा ये दूध आधा से भी ज़्यादा पक चुका है, और इसे हम अच्छी तरीके से चलाते हुए अपने दूध को पका रहे हैं। तो सेम इसी प्रोसीजर से हमें इस पेड़े को बनाना है। तो हम अपने दूध को अच्छे से पका लेते हैं। ये जो हमारा दूध है आधे से भी ज़्यादा पक चुका है और बिल्कुल गाढ़ा हो रहा है, तो इससे इस स्टेज पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे पकाएंगे। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो आइए अपनी चीनी को डाल लेते हैं। अब थोड़ा सा फ्लेम हम तेज करते हुए और उसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है अच्छे से घुल ना जाए। मैंने इसमें पिसी हुई चीनी नहीं डाला है, नॉर्मल चीनी हमने यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें पिसी हुई इलायची डाल रहे हैं और आप देख सकते हो जो चीनी का पानी है बहुत अच्छे से सूख गया है, बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। और अब हमने इसको लगातार चलाई जा रही है और चलाते चलाते इसको मीडियम फ्लेम पे पका रही है। इस स्टेज पे हमें छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ वो पेड़े का शेप में नहीं आएगा, वो खोआ बन जाएगा। इस टाइम पे हमें चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताएं कि आपके मदर इन लॉ के हाथ की कौन सी अच्छी रेसिपी है जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। आप अपनी रेसिपी मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो खोया है ये बिल्कुल ये कढ़ाई से छोड़ रहा है, अभी कढ़ाई में बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा। अब इस स्टेज पे आप चाहो तो इसे उतार सकते हो, पर 1 से 2 मिनट और हम चलाएंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और हम बिल्कुल खोए को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तभी हम गर्म में हम उसे पेड़े का शेप नहीं दे सकते, इसलिए हम इसे बिल्कुल ठंडा करके तब हम इसे पेड़े का शेप देंगे। और आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, बट इसका जो पेड़ा बनता है वो मम्मी के हाथ का बहुत ही यम होता है। तो हम तो वेट करेंगे पेड़े के लिए। फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटे हो गए हैं और मम्मी अब इस खोया ठंडा हो चुका है, अब मम्मी से पेड़े का शेप दे रही हैं और खोया अभी भी इतना बचा हुआ है। और मम्मी जब भी घर से आती हैं तो सभी बच्चों के लिए पेड़ा ज़रूर बना के लाती हैं, और इस रेसिपी को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।